इंजीनियर जफरुद्दीन की पत्नी अपने बचपन के प्यार को पाने के लिए अपने पति की प्रेमी के साथ मिलकर घर में रखे प्रेशर कुकर से सर पर वार करके मौत के घाट उतार दिया और पुलिस से बचने के लिए पुलिस के सामने झूठी कहानी गढ़ डाली। हालांकि इस मामले में वारदात के बाद से ही पुलिस को पत्नी पर शक था, मगर ठोस सबूत के अभाव रहने के कारण पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। मगर पुलिस ने अपनी जांच शुरू किया तब एक गुप्त मोबाइल ने सारा राज खोल दिया और प्रेमी पत्नी पुलिस गिरफ्त में आ गई। पत्नी पति की हत्या करवाने के लिए पत्नी ने प्रेमी को घर के एक कमरे में पहले छुपा कर रखा था, फिर जब पति सो गया तब प्रेमी के साथ मिलकर सोए हुए अवस्था में पति को जकड़ लिया और प्रेमी के साथ मिलकर प्रेशर कुकर से तब तक वार कराती रही जब तक पति ने दम नहीं तोड़ दिया। बाकी सारी कहानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखी है, उसे पढ़कर आप सभी बंधु लोग इस हत्या की पूरी कहानी जान सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। एक इंजीनियर की जो अब्रोड रहते थे, पिछले एक साल से कोविड में यहीं रह रहे थे, उनको उनके ही घर पे उनका सर बेरहमी से कुचल करके हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद जो वहाँ की गतिविधि थी, जो हमारे पास मटेरियल एविडेंस था और जो परिवार वालों का हाव भाव था, हम लोग को शक की सुई उसी समय प्रारंभ हो गई। उसके बाद हम लोगों ने वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान किया, तकनीकी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया, घटना के पूर्व, घटना के समय और घटना के बाद पूरे परिवार वाले के आचरण और व्यवहार का विवेचन किया और उसके बाद प्रकाश में आया कि मृतक इंजीनियर की पत्नी शहनाज रवि, जो क्लास सिक्स से ही अपने किसी क्लासमेट के साथ प्यार में थी, वो अपने प्रेम, प्यार और पति के रिश्ते को संभालते संभालते इस मुकाम पर पहुंच गई कि जिस दिन वो दिल्ली से वापस आई, उन्होंने अपने पूर्व प्रेमी, अपने प्रेमी जिसका नाम कमाल उर्फ नन्हे हैं, से मिलकर और एक षड्यंत्र बना करके अपने इंजीनियर की दोनों लोगों ने प्रेशर कुकर से हत्या और हत्या करने के बाद पूरी घटना को लूट के क्रम में लुटेरे द्वारा की गई हत्या का एक मुलम्मा बनाया गया, एक बहाना बनाया गया। और यह हत्या 3 बजे हुई थी, लेकिन 7 बजे तक शहनाज प्रवीण उस हत्या के बाद अपने कमरे में जाके सो जाती है। 7 बजे वो अपने भाई को फोन करती है और उसके बाद उनके द्वारा पुलिस को बताया जाता है कि लुटेरों ने लूट के क्रम में उनके पति की हत्या की। सबसे खास बात इस घटना की ये है कि शहनाज प्रवीण जिस प्रेमी के साथ क्लास सिक्स में प्यार में थी, क्लास सिक्स से, और जिसके चलते स्कूल से इन दोनों का नाम काट के हटा दिया गया, नन्हे उर्फ कमाल मदरसा में पढ़ना चला गया और ये घर पे ही रह के पढ़ रही थी, उस समय से ही अपने पति के साथ साथ अपने प्रेमी के साथ भी शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से जुड़ी रही। सबसे आश्चर्यजनक पहलू यह है कि उनका दो बच्चा है, एक बच्चा उनके पति से है और दूसरा बच्चा उनके प्रेमी से। ये उन्होंने खुद स्वीकारा है और इसको हम लोग वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भी कर रहे हैं। और वो अपने प्रेम और पति इस दोनों को इसलिए संभाल कर रखी थी कि एक तरफ से पैसा आता था, दूसरे तरफ से शरीर मिलता था, और इन दोनों को वो एक साथ सहज के रख नहीं पाई और अंततः एक ऐसा मुकाम आया जहां पर उन्होंने अपने प्रेम के लिए, पुराने प्रेम के लिए अपने पति को मार देना श्रेयस्कर समझा। और इन लोगों ने मिलके काफी षड्यंत्र पूर्वक, काफी चालाकी से, काफी सफाई से इस हत्या को अंजाम दिया। लेकिन पटना पुलिस और फुलवारी शरीफ थाना के हमारे विशेष टीम ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लिया और 1.5 महीने के अंदर इसका सफलतापूर्वक 100% उद्भेदन किया, जिसके लिए पूरी पुलिस, हमारी पटना पुलिस बधाई दी। इस मामले में क्या इस घटना का सबसे मजेदार पक्ष ये है कि 2006 में जब शहनाज परवीन की शादी तय हुई,
उस समय शहनाज परवीन ने फोन से ही मना किया अपने पति को कि मैं किसी के साथ प्यार में हूँ, मैं शादी नहीं कर सकती। लेकिन उनके पति के हिसाब से और इनके हिसाब से उन्होंने कहा कि ये बहुत खूबसूरत थी, तो इनके पति ने कहा कि मैं तुम्ही से शादी करूँ। और इसका दूसरा पक्ष है कि उस समय शहनाज परवीन की उम्र 15 साल थी और उनके पति की उम्र 35 से 40 साल के बीच, तो वो गैप मायने रखता है। और उसके बाद इनके पति साल में 1 महीने के सिर्फ हिंदुस्तान अपने घर रहते थे, 11 महीने बाहर रहते थे, तो 1 महीने वो अपने पति के साथ पति के रूप में रहती थी और शेष 11 महीने अपने प्रेमी के साथ पति के रूप में। और दोनों लोगों को गिरफ्तार हम लोगों ने किया, फुलवारी शरीफ से ही किया है दोनों लोगों को गिरफ्तार। और प्रेमी फुलवारी शरीफ के ही रहने वाले हैं, बौली मोहल्ला कोई है, बौली मोहल्ला के हम है इस्तेमाल है। ये क्या करते हैं, ये एसी मैकेनिक है, एसी के मैकेनिक हैं। और शहनाज ने पहले बेटे के जन्म होने के बाद ही अपने पति से कहा कि मेरे को तलाक दे, लेकिन पति ने तलाक तो नहीं दिया, उल्टे ले जाकर के लखीसराय में इनको एक कमरे में बंद कर दिया, इनपे झाड़ फूक चला, इनकी दवा इनपे इनके साथ मारपीट किया गया, इनका दवा दारू भी कराया गया ताकि ये बदल जाए। और जब इन्होंने 6 महीने में बदलने का नाटक किया फिर ये फुलवारी शरीफ आई और फुलवारी शरीफ में जो पुराने संबंध थे फिर ताजा हो गए। जिस दिन हत्या हुई है उस दिन ये लोग टुंडला से चलते हैं। इन्होंने 1 महीने में, इनका सीडीआर उपलब्ध है, 1 महीने में 121,965 सेकंड बात किए, आप समझ सकते हैं कि इंटीमेसी का क्या स्तर। 121,965 सेकंड कितना होता है आप नहीं, ये दो लोग ही रहे हैं। और जिस दिन ये टुंडला से चली हैं उस दिन ये अपने प्रेमी से बात की है। इनके पास 2 मोबाइल रहता था, एक मोबाइल अपने पति से बात करने के लिए, दूसरा मोबाइल अपने प्रेमी से बात करने के लिए। जो दूसरा मोबाइल था वो इनके प्रेमी के नाम से ही सिम था जो इनके पास रहता था, और प्रेमी का सिम के साथ रहता था, मतलब प्रेमी का मोबाइल सिर्फ इनके नंबर पे बात करता था और इनके पति से बात करने के लिए दूसरा नंबर रहता था। सर इतने सारे मोबाइल कागजात क्या, जितने ये मोबाइल हैं ये सारे शहनाज परवीन के हाथ मोबाइल हैं। शहनाज परवीन लगातार मोबाइल्स इनके पास लगातार बदलते रहते थे और नन्हे भी लगातार अपने सिम बदलते रहते थे। अभी तक हम लोगों ने 7 मोबाइल बरामद किया है, प्लस नन्हे हर 15 दिनों के बाद नया सिम यूज करता था। नहीं, हुआ ये था कि घटना के दिन जब ये लोग आए तो इनके पति ईद की खरीदारी करने के लिए दुकान चले गए। खरीदारी जब ये करने चले गए 8:30 बजे, उसके बाद इन्होंने फोन करके अपने प्रेमी को बुलाया। प्रेमी और ये बैठ करके वहाँ पर इनके हिसाब से बातें कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। पति उसके बाद 11 बजे करीब वापस आते हैं। उसके बाद ये अपने प्रेमी को अपने बगल में छिपा लेते हैं, बगल वाले कमरे में। उसके बाद ये लोग खाना खाते हैं, सोने के लिए जाते हैं, और जब बच्चे सो जाते हैं उस समय इनका पति और इनके प्रेमी का सामना होता है। दोनों में गुत्थम गुत्थी होती है। उसके बाद ये भी बाहर निकलती है, ये भी अपने प्रेमी के साथ अपने पति से बात करती है, और बगल में प्रेशर कुकर रखा हुआ था, पहले प्रेशर कुकर इनका पति ही उठाता है, इनको मारता है, नन्हे को मारता है। जब शहनाज को मारता है तो नन्हे इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वो प्रेशर कुकर उठा करके मौत होने के बाद आराम से बाहर निकल जाता है। ये कहेंगे कि अब क्या करोगे, आप मैं कहूँगा ऐसा दूंगी चोर जो चोरों ने ऐसा किया, वो मुझे करना है। तो जो कुछ भी हुआ प्रॉपर इम्प्लांट और बहुत बहुत चालाकी से ये प्लान किया गया। और सबसे अच्छी बात ये है, आप लोगों को सुनकर हैरत होगी कि इनके जो दोनों बच्चे हैं वो कमाल को भी पापा कहते हैं और इंजीनियर साहब को भी पापा कहते हैं। जब उस बच्चों से मैंने बात किया तो बच्चों ने ये बताया, बड़ा बच्चा बड़ा है 9-10 बरस का, बच्चे ने बताया कि हमारी माँ ने कहा था कि ये तुम्हारे पापा। तो जिस समय ये घटना हुई उस समय भी बच्चे जगे ही हुए थे, दोनों बच्चे उठ गए थे, चिल्लम जो चिल्लम तो हुआ था उसमें उठ गए थे और बच्चे प्रत्यक्षदर्शी। लेकिन उस समय माँ के दबाव में बच्चों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बाद में जब हमारे पास सारे एविडेंस आए और हम लोगों ने पूछताछ की तो बच्चों ने इस बात की पुष्टि की है। तो हमारे पास चक्षु साक्ष्य है, हमारे पास प्रत्यक्षदर्शी है, हमारे पास पारिस्थितिक साक्ष्य है, हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है, लोगों ने कन्फेस भी किया है, वो मटेरियल भी बरामद किया है, इनके मोबाइल पिछले 1 साल के रिकॉर्ड्स हैं,
तो इस बात को साबित करते हैं कि इन दोनों लोगों ने जब पति ने हिंदुस्तान में ही रहकर काम करना स्वीकार कर लिया तो 11 महीने एक महीने वर्सेज 11 महीने का जब खत्म हो गया तो इन्होंने प्लान करके